यूट्यूब चैनल पे एक और एपिसोड के साथ मदर अब्बास साहब सीनियर सहाफी और पाकिस्तान की सियासत पे एक अहम मामला पे गहरी निगाह रखते हैं और आने वाले दिनों में जो भी स्टोरीज इनके पास होती हैं वो खबरें बन जाती हैं, तो हम इसी जुमले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सवाल आपसे ये है कि पीडीएम की तहरीक इस वक्त मुल्क में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के तौर पे पीडीएम की छतरी तले इकट्ठी है और हुकूमत गिराने का दावा कर रही है, क्या समझते हैं जो हुकूमत के खिलाफ पीडीएम ने तारीख दी है कि वो इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं फरवरी के अंदर, आप समझते हैं ये फैसला कुन महाज होगा या अभी भी ये पिछली तारीखों की तरह डिले टैक्टिक्स? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर इस वक्त इतना भरपूर आमांगी है उनके दरमियान, ख़ासतौर पे जो बड़ी तीन जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खास कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो पिछले 1.5-2 साल से बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से, और वो पहले दिन से पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के हवाले से उनका नुक्ता नज़र बहुत वाजे है, वो नहीं एक्सेप्ट करते इसको सही कहा जाए या गलत कहा जाए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट, और उस वक्त भी उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जमातों से ये कहा था कि आप पार्लियामेंट में नहीं जाएं, वोट ना लें और इस गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त तहरीक चलाएं, लेकिन गालबन पीपल्स पार्टी और नून लीग का नुक्ता नज़र इससे बड़ा मुख्तलिफ था, वही समझते थे कि पार्लियामेंट का हिस्सा रह के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस तरह 2014 में पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मजबूत होती नज़र आती है, अपोजिशन कमज़ोर होती नज़र आती है, एक दो अटैम्प्ट अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन की सेनेट में अभी भी इस इलेक्शन, अभी सेनेट के इलेक्शन होने तक उनकी मेजॉरिटी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद, मेजॉरिटी होने के बावजूद, अक्सरियत होने के बावजूद, वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों से है, उनको वोट आउट नहीं कर सके, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सके। उसके बाद भी मौलाना फजलुर रहमान ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलके एक लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके साथ रहे तो, लेकिन उन्होंने अमली तौर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया और लास्ट मिनट में विड्रॉ कर गए, और फिर मौलाना फजलुर रहमान को वो मार्च 2-3 दिन बाद अबेंडन करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। ये जो एक पूरा पस मंज़र है, इस पस मंज़र के पेश नज़र इन जमातों का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर एक हल्का है जो समझता है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से बाहर गए और जिस तरीके से सूरत हाल डेवलप हुई है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब का अपना इंटरेस्ट रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र ये है कि शायद पीपल्स पार्टी इसलिए हिचकिचाहट का शिकार है कि सिंध में उसकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत, अगर उन्हें ये यकीन ना हो कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी हुकूमत क्यों ख़त्म करें या असेंबली को क्यों तोड़ें। तो इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा जो है वो सीधा सीधा तहरीक इंसाफ या वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँच रहा है, और अभी भी क्योंकि उन्होंने बीच में ये कहा कि हम रिज़ाइन कर देंगे, फिर रिजिग्नेशन वापस ले लिए का फैसला वापस ले लिया, फिर एक वक्त में आया कि वो कन्फ्यूजन था कि बाई इलेक्शन में हिस्सा ले ना ले, लेकिन बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर एक कन्फ्यूजन था कि सेनेट के इलेक्शन में लेकिन अब हिस्सा ले रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो तो उसकी तहरीक में वैसे ही बहुत ज़्यादा जान नहीं रहती। जलसे ज़रूर एक अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं उनके जलसों में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वाज़े लायमल नहीं दिया है। अब 30 जनवरी की उन्होंने डेडलाइन रखी हुई है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन जाहिर है उस डेडलाइन का अपोजिशन ही कोई इलाज करे तो करे, इमरान खान तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। सही, अच्छा सर, यहाँ पे इसी हवाले से कनेक्टेड सवाल ये बनता है कि महंगाई जो है वो इस वक्त सर उठा रही है और हुकूमत उस हवाले से कंट्रोल करने में महंगाई को नाकाम नजर आती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से हुकूमत वजूद में आई है, पीटीआई के वज़ा इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कहते हुए पाए गए हैं कि भाई महंगाई के हवाले से हमारे पास कोई वाज़े प्लान नहीं है, आपके हवाले से भी
इस तरह की स्टोरीज हैं, आप भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस हवाले से मायूसी नजर आती है, क्या ये सबसे बड़ी अपोजिशन को उम्मीद है कि अगर इस नारे को लेके निकलेंगे सड़कों में तो आवाम उनके पीछे लगभग क्या के खड़ी हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जमातें होती हैं जिनको बाजी में नहीं आजमाया गया होता तो शायद उनको ज़रूर सपोर्ट मिलती, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि लोग मौजूदा हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है, कोई बड़ा रिलीफ उन्होंने लोगों को अब तक नहीं दिया है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा 2021 में इमरान खान साहब के लिए कि अगर वो इस क्राइसिस से जो कि बताया लग रहा है कि वो निकल आएंगे तो उसके बाद वो क्या इकदाम करते हैं जो उन्होंने अब तक पिछले 2.5 साल में नहीं किए हैं। उन्होंने लोगों को कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया है, उन्होंने लोगों को कोई बड़ी रोज़गार के ज़राए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि बेरोज़गारी बढ़ी है। बिल्कुल इसी तरह महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है, लोगों की रीच से बाहर हो गई है, लेकिन कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इमरान खान साहब को एड्रेस करने हैं। उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स अपनी कहा था, वादे किए थे, लेकिन वो नहीं कर सके, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल ईयर होगा 2021, और अगर इस 2021 में वो कुछ ना डिलीवर कर पाए या खातिर खा उन्होंने लोगों को रिलीफ नहीं दिया तो फिर जो चौथा साल होगा वो तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन का साल होता है, तो उस वक्त तक फिर उनके दावे उस तरीके से नहीं रहेंगे। तो इमरान खान साहब के पास अपोजिशन का कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इमरान खान साहब के पास सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज़ का है कि वो खुद अपने किए हुए वादों पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। सही। अच्छा सर, आर्मी मंजरनामे पे थोड़ी सही। अच्छा सर, पीटीआई हुकूमत जब से जो है वो इक्तदार में आई है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद मीडिया के हवाले से होती है कि मीडिया के हवाले से जो पॉलिसीज हैं उसे सख्त किया जा रहा है, उस पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। आप समझते हैं मीडिया के खिलाफ जो वायलेशन हो रही है, मीडिया पे पाबंदियां लगाई जा रही है, इसको हल करने के लिए हुकूमत और सहाफती मुजाकराती टीम को इकट्ठा बैठना चाहिए, सहाफियों को अपने कंसर्न उनके सामने रखने चाहिए बजाय के सड़कों पर आके एहतजाज करें या प्रेस क्लब पे एहतजाज करें? आपका क्या है इस पर ओपिनियन? पहले तो हुकूमत और रियासत क्लियर करें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से उनकी क्या मुराद है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से उनकी क्या मुराद है, वो उनके नुक्ते नज़र में क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उनके नुक्ते नज़र में क्या क्या चीज़ें नहीं जानी चाहिए। सबके अपने अपने मेयार हैं, अखलाकियात के भी सबके अपने मेयार हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी सबके अपनी अपना अपना नुक्ते नज़र है। हुकूमत के नज़र में नेशनल सिक्योरिटी का मामला कुछ और होता है, रियासती इदारों की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी का मामला कुछ और होता है, और मीडिया प्रैक्टिशनर्स जो उसको देखते हैं उनका नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ होता है, और यही इम्पोर्टेंट असल चीज़ ये है कि क्या आपके पास जो खबर है या जिस खबर पे आप बात करना चाह रहे हैं वो हकायक की बुनियाद पर मबनी है या नहीं है। जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया के लिए सबसे अहम बात यही होती है कि वो जो भी खबर दे उसके बारे में वो रिपोर्टर अपनी खबर पर स्टैंड करने की पोजिशन में हो, क्योंकि बाज़ अख़ास हम ज़राए से ख़बर ज़रूर देते हैं लेकिन जब चीज़ मामला अगर आगे जाता है अदालतों की हद तक जाता है तो बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर आपके ऊपर आ जाता है कि आप भले ज़राए ना बताएं लेकिन अपनी ख़बर के हकायक ज़रूर बताएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मीडिया के लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पिछले कई सालों से कई दहाइयों से होता आ रहा है कि कभी नज़रिए के नाम पर, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी किसी और नाम पे हुकूमत मुखालिफ बयानिया को रियासत मुखालिफ बयानिया तस्वर कर लिया जाता है। अब जिस तरह ये कहा जाता है कि फ़ौज पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, हालांकि फ़ौज पे तनकीद नहीं होती, तनकीद जो होती है फ़ौज के सियासी किरदार पे होती है कि उनका पाकिस्तान की सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, उनकी और ज़ाहिर है फ़ौज हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है, सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी बॉर्डर की हमारी सलामती की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन उसका रोल ये नहीं है कि हुकूमतें बनाए और हुकूमतें गिराए। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई इलेक्शन हो कि जहां उनका कहीं ना कहीं वो रोल नज़र नहीं आता हो। तो इस वक्त जो तनकीद उन पर होती है वो यही होती है। बिल्कुल इसी तरह मीडिया के हवाले से जिस तरीके के वाकयात रहे हैं पिछले कई सालों में,
उनमें नजर आया है कि ये अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पहले FIRs कट जाया करती थी, मुकदमा चलते थे, अब लापता हो जाते हैं लोग। तो ये रियासत को और हुकूमत को समझने की ज़रूरत है, वो बनाएं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि हुकूमत कोशिश करे एक मजबूत मीडिया पॉलिसी लेकर आए, और जो बहुत से मामलात हैं, जो उनकी भी ग्रीवेंसेज हैं, जो हमारी भी ग्रीवेंसेज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। उसमें आप कोई इस तरीके से, जिस तरह इमरान खान साहब अक्सर बरतानिया की मिसाल देते हैं कि बरतानिया में बहुत सख्त जो है वो सबजुडिस मैटर्स के हवाले से, यहाँ तक इज्जत के हवाले से बड़े सख्त कवानीन हैं, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको किसी ने नहीं रोका कि उस तरह के कवानीन आप अपने मुल्क में भी लेकर आए, लाएँ, यहाँ तक इज्जत का कानून मजबूत करें, उसमें जल्द फैसले हों, ताकि लोग इस तरीके से एक दूसरे की पगड़ियाँ ना उछालें। तो हुकूमत की तरफ से अगर ये बात मेंशन की जाती है कि जी वहाँ उस मुल्क में तो ये कानून है, तो आपको किसने रोका है कि आप अपने मुल्क में वो कानून ना लाएं? तो जब आप नहीं लाते और ज़ोर ज़बरदस्ती से आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती हैं, तो फिर एहतजाज जो है वो उनका हक बन जाता है, सहाफ़ियों का हो या किसी और वक्ला का, कि जब आप बात को उस अंदाज में सुनने को तैयार नहीं होते तो फिर लोगों के पास सड़कों के अलावा कोई चारा नहीं होता। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने यहाँ बात भी की सियासी किरदार कुछ गैर सियासी कुव्वतों की तरफ से होता है। इस वक्त ये इशू चल रहा है कि चले पिंडी की तरफ से इशारा किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में जो अदालतें हैं, मौजूद अदालतें हैं, पूरे मुल्क की अदालतें हैं, उनके ऊपर भी अपोजिशन मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो साहब इल्जाम लगाते रहे कि वो सियासत में गैर जानबदाराना तरीके से, अब नहीं अब जानबदाराना तरीके से रोल प्ले कर रही है। आपके ख्याल में माजी से ये पाकिस्तान का देखिए, पिछले मेरा ख्याल है दो चार गवर्नमेंट से हमारी यहाँ, बल्कि अगर हम परवेज मुशर्रफ के दौर से 2007 के बाद से जुडिशरी का जो हमारी अदालतों का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम कहते हैं, ये बात दावा करते हैं कि जो 2007 में तहरीक चली थी आज़ाद अदलिया के लिए, उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। आज कोई PCO जजेस नहीं हैं, आज अदलिया किसी हद तक हमें आज़ाद नज़र आती है। उस अदलिया पे फिर एतमाद करने की ज़रूरत है। अगर ग्रीवेंसेज हैं, ज़ाहिर प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हैं, अदलिया को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ज़ाहिर नैब के हवाले से आता है, नैब के कवानीन के हवाले से आता है, नैब के कवानीन में बेहतरी लाने के हवाले से आता है। तो ओवरऑल जब मरियम नवाज या ये लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि वो अपने केसेस जो उनके ऊपर हैं, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर या दूसरे मुस्लिम लीग नून के खास तौर पे जो रहनुमा है उनके ऊपर, तो वो अपने आप को इस चीज़ से क्लियर करें, जिस तरह बहुत से लोग क्लियर करके आए भी हैं, और उससे नैब को सुबकी का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन शकूक व शुबात उस वक्त जन्म लेते हैं जब जैसे नवाज शरीफ साहब अचानक लंदन चले गए, और अब तक पिछले 10 महीने या तकरीबन साल होने को आ रहा है, उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं है। इससे फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, और इससे नुकसान सियासी क़ुव्वतों को होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना अभी क़ब्ल-ए- वक्त होगा, लेकिन अदालतों का रोल पाकिस्तान की सियासत में, यानी पाकिस्तान जिस तरह की चीज़ें अदालतों के सामने आती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 वज़ीर-ए-आज़म, एक वज़ीर-ए-आज़म राजा यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी नशस्त छोड़नी पड़ी, वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़नी पड़ी। फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा केस के हवाले से फैसला आया। तो एक के गवर्नमेंट्स ने, तो पिछली 2 हुकूमतों ने अपने टेन्योर तो पूरे किए, लेकिन अभी तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। हो सकता है कि इमरान खान के पास ये मौका है कि वो पहली गवर्नमेंट PTI की बने, कि PTI की गवर्नमेंट ने भी अपना टेन्योर पूरा किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन अभी बहुत सी मुश्किलात हैं, हमें हमारी सोच वो जमहूरी नहीं है, हमारा जो सोचने का अंदाज है वो जमहूरी नहीं है, सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, और इसमें मेरा ख्याल है और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
सही सर, लेकिन आपने जैसे बात भी की कि अपनी जमहूरी मुद्दत किसी भी हुकूमत ने पूरी नहीं की या वजीर आजम ने पूरी नहीं की, बहुत अफसोसनाक बात है। आप इस वक्त कोई खतरा भाप रहे हैं कि इमरान खान साहब भी अपनी जमहूरी हुकूमत जो मुद्दत है उसे पूरा ना कर सकें और अपोजिशन की तरफ से जो है या अदालत की तरफ से उनकी राह में रुकावट पैदा हो जाए? मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई पाकिस्तान में तो कोई भी चीज़ किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें अभी ग्राउंड पे हैं उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि इमरान खान साहब के सामने इस वक्त कम से कम, अभी खैर आप तकरीबन 2.5 साल उनके पास हैं अभी, लेकिन फौरी तौर पे मुझे कोई ऐसा कम से कम मुस्तकबिल करीब में ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आता जिससे इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाए। तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, जिस तरह मैंने कहा कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बने जो अपनी मुद्दत जो वज़ारत उज़्मा की मुद्दत है उसको पूरी करें, और ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए बहुत अच्छा होगा। और अपोजिशन जमातों को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमतें और वज़ीरे आज़म अपने टेन्योर्स पूरे करते रहें, चाहे उन पे उनके कामों के हवाले से बहुत तनकीद हो या जो आईनी रास्ते हैं किसी भी वज़ीर आज़म को हटाने के वो इस्तेमाल किए जाएँ बग़ैर किसी मुदाखलत के, जिसमें ये भी सबसे अहम बात है कि हुक्मरानों का एहतसाब जो है सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भी एहतसाब के अमल में जो है सियासी इंतकाम की झलक नहीं आनी चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की झलक आती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान एहतसाब को होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे होते हैं उनको होता है, उनको होता है। अच्छा सर, ये आपसे इस वक्त सवाल है कि आपने इस वक्त पहले ही बात की सोशल मीडिया के हवाले से भी हुकूमत अपनी कुछ जो है वो पॉलिसीज मुरतब कर रही है, अगर सोशल मीडिया पे आने वाले दिनों में मीडिया की तरह ही प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह दबाव पड़ता है तो क्या ये वाजे हो जाएगा ये जो हुकूमत है एक 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इसको दीवार से लगाने जा रही है और आवाज को दबाने जा रही है, या फिर हो सकता है कोई नया ट्रेंड लेके सामने आए? देखिए सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें गैर जिम्मेदाराना होती हैं, हो रही हैं, जिससे सिर्फ हुकूमत ही परेशान नहीं होती, एक इंडिविजुअल भी परेशान होता है, किसी के ख़िलाफ़ भी आप, क्योंकि एक अनएडिटेड मीडिया है सोशल मीडिया, किसी रेगुलेशंस के बग़ैर, किसी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के बग़ैर, तो उससे सोसाइटी में नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको रेगुलेट कैसे किया जाए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेशंस के नाम पे आमतौर पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, वो सबसे बड़ा मसला ही है। लेकिन सोशल मीडिया को किसी फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है, इससे कोई मेरा ख्याल इनकार नहीं करेगा। जिनों में बलदियाती इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, खासतौर पर कराची की सियासत जो है बलदियाती इंतखाबात के गिर्द इस वक्त घूम रही है, आप देख रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के बाद कराची में जो कराची का जो कंट्रोल है वो किसी दूसरी पार्टी का साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो अभी फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन नहीं होते नज़र आ रहे, कह जरूर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो बलदियाती इदारे नया बलदियाती निज़ाम कोई लेकर आ रहे हैं पंजाब में कोई एक साल पहले ही बलदियाती इदारों को मौतल कर दिया गया था, तहलील कर दिया गया था, लेकिन एक साल से इंतज़ार ही हो रहा है उस बलदियाती निज़ाम का। इमरान खान साहब ने ये कहा तो है कि अप्रैल या मई में वो बलदियाती इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मरदमशुमारी का मसला हल नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन CCI की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जब मीटिंग होगी तो उसमें होगा, तो फौरी तौर पे तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर या 2022 में इलेक्शन होते हैं तो हो जाएं, लेकिन अभी तो मुझे, और दूसरा उनको चैलेंज ये भी है कि अगर फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन कराए तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल जाए। इन सारी चीज़ों को हुकूमतें सोचती हैं, आईन और कानून से बालातर होकर ये बातें की जाती हैं, वक्त पे बलदियाती इलेक्शन नहीं कराए जाते, वक्त पे मरदमशुमारी नहीं होती, और यही हमारे बड़े बुनियादी मसाइल हैं। सही।